पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के समर्थकों ने आश्रम के नन्हे बच्चों के बीच मनाया पूर्व मंत्री का जन्मदिन। जी हां, इंदौर 24 अगस्त पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा विधायक के जन्मदिन के अवसर पर उनके सैकड़ों समर्थक पूर्व पार्षद अभय वर्मा, दिलीप कौशल एवं पवन वर्मा की अनुयायी में शासकीय बाल संरक्षण आश्रम संयोगितागंज पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर शुक्ला राजेश चौकसे को अपने बीच पाकर आश्रम के बच्चे अभिभूत हो गए। अतिथियों द्वारा बच्चों के साथ स्वल्पाहार कर बच्चों को राशन सामग्री, कॉपी किताबें भेंट की गई। पूर्व पार्षद गण अभय वर्मा, दिलीप कौशल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सज्जन वर्मा समर्थकों ने उपस्थित होकर बच्चों के बीच केक काटा तथा कांग्रेस के नेताओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता कृपा शंकर शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, राजेश चौकसे, पिंटू जोशी, अभय वर्मा, पवन वर्मा, रिंकू वर्मा, रवि वर्मा, दिलीप कौशल, कपिल सोनकर, सुरेश गाबा, चंपालाल शांखला, गोविंद परिहार, बल्लू चौहान, शिवनू धवन उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के गौरव, हम सबके नेता, जन जन के नेता आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी का आज यहाँ जन्मदिन बड़े सादगी से मना रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। ऐसे जिंदा दिल, शेर दिल इंसान है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नीतियों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं और जो और मध्य प्रदेश में जनता का एक उनके ऊपर एक अलग ही स्नेह और प्रेम रहता है। हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष करते करते आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, छह कांग्रेस कमेटी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सज्जन भैया खूब शतायु रहे, खूब दीर्घायु रहे और उनका हमेशा मैं हमें उनका हमेशा मैं आशीर्वाद प्राप्त करूँ और हमेशा उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहें। आदरणीय सज्जन वर्मा जी का 74वां वर्षगांठ मनाई जा रही है और हम सब लोग हर वर्ष बड़े धूमधाम से सादगी से बच्चों के अनाथालय में उनको प्रसादी दी गई है, उनको किताबें दी गई हैं और इस प्रकार हम सब लोग मिलजुल कर, हमारे साथी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय वाकरीवाल जी बैठे हैं, मुन्ना भैया बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, वो सब साथी राजेश चौकसे जी हैं, हम सब लोग मिलजुल कर अच्छे धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं।